हाई एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द कॉस्मिक रिवर। हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी की सीरीज में आज नंबर 26 के बारे में। 26 को, किसी भी मंथ के 26 को जो लोग बॉर्न हुए हैं उनकी डेस्टिनी उनके बारे में क्या कहती है इसके बारे में बताएंगे। टू यानी कि मून, सिक्स यानी कि वीनस, टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू आठ यानी कि शनि का नाम। टू जो कि रॉयल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, सिक्स भी मटेरियल गेन को तो अट्रैक्ट करता ही है, लेकिन जब वो आठ बन जाता है तो थोड़ा सा दिमाग उल्टा घूमने लगता है, यानी कि बैड चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती है ऐसे लोगों को। जो लोग 26 को बॉर्न हुए हैं किसी भी मंथ की 26 को, उनका दिमाग उल्टी चीजों की तरफ ज्यादा जाता है, उनकी संगति थोड़ी उल्टी हो जाती है, उनका जो सर्कल है सोशल सर्कल वो थोड़े से गलत लोगों के साथ उतना बैठना हो जाता है। और ऐसे ही लोगों को जुआ बिल्कुल रास नहीं आता, गैम्बलिंग इनके लिए हानिकारक है। ऐसे लोगों के लिए मैं ये बोलूंगी कि गैम्बलिंग से इनको दूर रहना चाहिए, इनको शनि की पूजा जरूर करनी चाहिए, लेबर क्लास लोगों को सर्व करना चाहिए इनको, मोरली फाइनेंशियली दोनों तरीके से अगर ये सपोर्ट करते हैं और अगर ये जुए से दूर रहेंगे तो ये अच्छी प्रॉपर्टीज के मालिक भी बन सकते हैं। और अगर ये गलत चीज़ों की तरफ जाते हैं तो अपनी लाइफ में जितने भी गेन किए हैं और अपने पुश्तों के जितने गेन हुए हुए हैं उनको भी ये डुबा सकते हैं। सो इनके लिए एडवाइस है, बुरी संगत से दूर रहिए और बैड चीज़ों से अट्रैक्ट ना होकर अच्छे कामों में यानी कि दान पुण्य जैसे कामों में अपना फोकस रखिए तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। होप यू लाइक द वीडियो और आने वाली वीडियोस देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।